नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। वार्ड क्रमांक 44 जोन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कार्यक्रम संपन्न हुआ है। शिवराज सिंह चौहान 10 जून को इस योजना की पहली किश्त जारी करने वाले हैं। इस योजना की मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिए बहनों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी शंकराला में वार्ड क्रमांक 44 आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता रूपम नानी, प्रमिला यादव, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष नीलम राजा, कालराव पार्षद वार्ड क्रमांक 44, एडीएम जनता एकता जायसवाल, एसडीएम कल्याणी पांडे उपस्थित रहे हैं। जी बताएं, लेके आज क्या बहना योजना में क्या कार्यक्रम रखा गया और कितनी बहना को आपने आज प्रमाण पत्र जारी किए हैं? आज लाडली बहना के तहत 213 महिलाओं का लाभान्वित हुई है, जिनके आज प्रमाण पत्र का वितरण किया है। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके खाते में 1000 रुपये, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर महीने महिला सशक्तिकरण को देखते हुए उनके हर महीने खाते में 1000 रुपये आएंगे, जिससे कि महिला आर्थिक रूप से सक्षम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कालरा, पार्षद वार्ड लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आप लोग। जोन नंबर 4 के अंतर्गत वार्ड नंबर 44 के इस कार्यक्रम में लाडली बहना योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज संपूर्ण प्रदेश में इसको जो है प्रारंभ किया गया है। इस योजना में इस वार्ड की 213 बहनों को सम्मिलित किया गया था। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी संख्या में बहनों ने यहाँ पर आकर आज इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत की और अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। साथ ही ये सबसे ज़्यादा सुखद बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये घोषणा की है कि ये 1000 का तो केवल प्रारंभिक टोकन है, ये धीरे धीरे इसको 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750 और आखिर में इसको 3000 तक ले जाऊंगा। जैसे जैसे फंड की व्यवस्था होती जाएगी, राशि प्राप्त होती जाएगी, मैं इसको 3000 तक ले जाऊंगा। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि कुछ लोग हमारी इस योजना को विघ्न पैदा करने के लिए झूठी बातें कर रहे हैं, जिनके न सरकार बननी है न जिनकी सरकार आना है, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, बहनों को मुगालता देने के लिए अनाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री ने आज ही प्रथम एक किस्त के अंदर इन्होंने अवतरण अंतरित किया है और आने वाले समय में बहनों के लिए और भी कई योजना आएगी। आज इस अवसर पर बहनों ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ में मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, भारत माता की जय के नारे लगाए और साथ ही विश्वास दिलवाया कि आने वाले समय में हम इस प्रदेश के अंदर, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। क्या नाम है आपका? रूप पमनानी। क्या पद है आपका? मैं भाजपा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश मंत्री, प्रदेश प्रवक्ता विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ।